हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके काफी सारे जितने भी जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं पीएसजी को लेकर, यूजीसी नेट को लेकर, उनको मैं दूंगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस आते हैं कि हमें वाकई में पार्ट टाइम पीएसजी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, हाउ मेनी रिसर्च पेपर आर नीडेड इन पीएसजी, हमें पीएसजी के अंदर कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करना बहुत जरूरी है, कैन आई बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट यूजीसी नेट, क्या मैं यूजीसी नेट के बिना असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ, इज यूजीसी नेट एग्जाम कंपलसरी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट एग्जाम क्या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंपलसरी है, यूजीसी नेट एंड पीएचडी कंपलसरी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इस सारे सवालों के लिए आप इस लेक्चर को देखते रहिए। साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो गुजरात विद्यापीठ में जो जॉब वैकेंसी निकली है उसके नोटिफिकेशन के सारे, उसकी हेल्प से इन सभी सवालों का आपको मैं जवाब दूंगा, और इन सवालों को मैं आपको एंड में लेकर जाऊंगा कि वाकई में इस के पूरे वीडियो के अंदर इनका हमारा आखिरी में क्या कंक्लूजन निकलता है। तो चलिए पहले मैं आपको गुजरात विद्यापीठ का जो नोटिफिकेशन निकला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसकी तरफ मैं लेके आपको चलता हूँ। फ्रेंड्स, आज के सेशन से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें आपको जो भी नई ओपनिंग निकला करेगी जॉब प्रोस्पेक्ट्स के लिए, जिसके अंदर आपका यूजीसी नेट एग्जाम जो है या फिर पीएचडी के जो आपके जो डिग्रियां हैं जिनके पास, स्टूडेंट्स के पास, वो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, जीआरएफ, SRF या फिर और भी डिफरेंट टीचिंग पोस्ट के लिए। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज एक जो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन निकला है, जो अभी हाल के ही न्यूज़पेपर में निकला था, जो कि गुजरात विद्यापीठ का निकला है, गुजरात विद्यापीठ जो कि अहमदाबाद में स्थित है, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए जॉब ओपनिंग निकली है। तो इसको मैं, इस पूरे जो गुजरात विद्यापीठ है इसकी जो वेबसाइट है उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको ये नोटिफिकेशन, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन का जो PDF है उसमें कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और किन किन पोस्ट के लिए निकला है, कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो जिन्होंने पीएचडी करी हुई है, जैसे इंग्लिश में पीएचडी की हुई है या फिर इंग्लिश में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने, ऐसा नहीं कि इंग्लिश के लिए केवल, बाकी सभी पोस्ट के लिए। तो चलिए मैं आपको इसके सबसे पहले मैं वेबसाइट की लेके जाऊंगा कि वेबसाइट पे हम लोग कैसे विजिट करें। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर गुजरात विद्यापीठ टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे गुजरात विद्यापीठ आप टाइप करेंगे तो ये गुजरात विद्यापीठ की जो है ये वेबसाइट है, तो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट को, इसमें लिखा हुआ है कि गुजरात विद्यापीठ वॉज फाउंडेड बाय द महात्मा गांधी ऑन 18th October 1920। ओके, तो पूरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो थोड़ा नीचे आ जाइए आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट का पूरा एक सेक्शन बना हुआ है। तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 01202021 को जो आपका है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले जो पहला लिंक है ये एडवर्टाइजमेंट का लिंक है, दूसरा जो लिंक है एप्लीकेशन फॉर्म इन इंग्लिश और एप्लीकेशन फॉर्म इन गुजराती। ओके, तो मैं इन दोनों को डाउनलोड करके आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको डाउनलोड कर लेना, मैंने डाउनलोड कर लिया इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पर। तो ये आपका पूरा का पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे आ जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है, मैं इसको आपको रीड करके बताऊंगा, और इसमें कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, तो चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद ये में स्थित है, तो यहाँ पर इस पे हमारा ये नोटिफिकेशन है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए निकला है, वॉक इन इंटरव्यू है, और इसमें आप देखेंगे कि जिन पोस्ट के लिए निकला है तो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के निकला है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू दे रखा है 5th August का और 6th August का। तो यहाँ पे देखेंगे किन के लिए निकला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए निकला है, तो सोशल वर्क के लिए निकला है फॉर PMSW सेक्रेटरी, इंग्लिश के लिए निकला है, फिजिकल एजुकेशन के लिए निकला है, होम साइंस के लिए निकला है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए निकला है, और केमिस्ट्री के लिए निकला है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है, कैटेगरी दे रखी है, और उनके लिए कौन कितना जो फिक्स रिम्यूनरेशन है, जो फिक्स पर मंथ उनको मिलेगा एज अ जो सैलरी मिलेगी वो भी दे रखी है। जैसे सोशल वर्क के लिए 45,000 है, उनका जो टाइमिंग है रिपोर्टिंग का, जो
इंटरव्यू होगा वो 11 एएम पर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 एएम पर है और ये 5 अगस्त को दे रखा है। इसी की जैसे इंग्लिश के लिए निकला हुआ है, इसका जो रिन्यूमरेशन दे रखा है 50,000 दे रखा है, इसके लिए 12:30 PM पर और 2:30 PM पे मिलना है। और ये सारे के सारे जो इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे वो सेंट्रल ऑफिस गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में होंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे को आपको जो रिपोर्ट करना है वो 6 अगस्त को करना है, जिसके अंदर होम साइंस जिसमें फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए निकला है, जिसमें जो रिन्यूमरेशन दे रखा है 50,000 है, तो इनके लिए 11 एएम पर होम साइंस के लिए मिलना है, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 12:30 पर निकलना है और केमिस्ट्री के लिए 2:30 पर है। ओके, तो यहाँ पर जो 6 सब्जेक्ट्स का निकला है, तो ऐसा नहीं है कि यही पोस्ट निकली है, इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, तो मैं उनको समय समय पर आपको बताऊंगा। अब इनके बाद इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है कि क्वालिफिकेशन पे आते हैं, तो ये क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है वो सभी स्टूडेंट जो भी हैं वो उनको जरा डिटेल में देखिएगा कि क्या क्या मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो उसमें मेन क्वालिफिकेशन जो है ये बताया गया है कि आपको मास्टर डिग्री चाहिए विद 55% मार्क्स, ये आप देख सकते हैं मैंने येलो कलर से इसको हाईलाइट कर दिया है, और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन पॉइंट स्केल वेयर ओवर द ग्रेडिंग सिस्टम, यानी अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स नहीं होते हैं, CGPA दिया हुआ होता है, अब ऐसे स्टूडेंट भी इसको उनका भली उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी में किया हो या फिर कहीं भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना मास्टर डिग्री किया हो, तो वो दोनों उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय द UGC और द CSIR और अ सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय द UGC लाइक SLAT, SAT और वो आर हैव बीन अवार्डेड अ PhD डिग्री इन अकॉर्डिंग विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो जिन भी स्टूडेंट ने UGC नेट या CSIR नेट क्वालिफाई किया है या फिर SLAT या फिर स्टेट सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है या फिर PhD जिन लोगों ने स्टूडेंट ने किया हुआ है, तो ऐसे स्टूडेंट ही इसके अंदर एलिजिबल हैं। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर नेट का जो एग्जाम होता है वो क्यों क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से मार्क्स को फाइब्रिकेशन किया गया, एक तरफ मतलब किस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया मार्क्स को एज अ UGC नेट क्वालिफाई जिन लोगों ने किया, जिन्होंने PhD डिग्री को मतलब इसमें अपॉइंट किया है। अब देखिए, अब इसके बाद भी क्या है कि PhD डिग्री भी जिनके पास होनी चाहिए, वो ऐसा नहीं कि कहीं से भी PhD आप कर ले, तो उसके लिए भी उन्होंने वैलिड पॉइंट दिखाया है, मैं अभी इसके अंदर ही सेकंड के अंदर ABCDE ये सभी पढ़ के बताऊंगा। The PhD degree of the candidate has been awarded in a regular mode. तो भाई regular mode की PhD चलेगी आपकी, अगर distance learning के distance mode पे कर रखी है तो वो यहाँ पे नहीं valid होगी। इसके बाद the PhD thesis has been evaluated by at least 2 external examiner. 2 external examiner से आपकी PhD thesis जो है evaluate होनी चाहिए। इसके बाद आपका जो PhD का वाइवा जो होना चाहिए वो conduct हो चुका हो, यानी जिनकी PhD का at least वाइवा कंडक्ट हो चुका है वो ही इसके अंदर एलिजिबल हैं। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर रिसर्च पेपर क्यों जरूरी है, और अगर जरूरी है तो कहां पर हमें वो रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किए हों। तो मैं डी पॉइंट को पढ़ूंगा, द कैंडिडेट हैज पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज और हर PhD वर्क आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 is in referred journal. ओके, तो यानी आपका कम से कम एक पेपर तो जर्नल का होना चाहिए कम से कम, और आपने एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर को पब्लिश किया होगा आपके PhD वर्क में। तो ऐसा नहीं कि आपने PhD किसी और में की हो और रिसर्च पेपर कहीं और का शो करेंगे, तो आपके PhD के ऊपर ही आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जरूरी है। इसके अलावा द कैंडिडेट हैड प्रेजेंट एटलीस्ट 2 पेपर based on his or her PhD work in conferences, seminar, sponsored, funded, supported by the UGC, ICSSR or CSIR or any similar agency. तो कम से कम उसने PhD work के 2 पेपर को conference, seminar या sponsored, funded में, उन्होंने sponsored, funded जो कि बहुत सारी ऐसी conference या journals होती हैं जो कि UGC में, यानी अपने work को उसने as a presentation उसको दिया हो, यानी आप बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं। अब वो कॉन्फ्रेंसेस में जाने के बाद आपको वहां पे सर्टिफिकेट मिलता है, तो सर्टिफिकेट आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है।
ठीक। अब इसके बाद इसमें आया है द नेक सिलेक्ट सेट आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर प्रोग्राम इन डिसिप्लिन फॉर विच नेक सिलेक्ट सेट इज नॉट कंडक्टेड बाय द CSIR और UGC। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास क्वेरी आता है कि सर हम लोगों ने जिसमें मास्टर डिग्री की है वो वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो लिस्ट में है ही नहीं UGC की। तो ऐसे स्टूडेंट को UGC नेट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है। इसके अलावा द PhD डिग्री हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद अ रैंकिंग अमंग द टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो 500 टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देता है वो उसके लिए भी संस्था दे रखी है। जैसे इसके लिए मैं अलग से आपको एक बताऊंगा एक अलग लेक्चर के अंदर कि कौन कौन संस्था होती हैं जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग को निकालती हैं। इसके अलावा आप रिजर्वेशन जो पोस्ट के अंदर है वो आप स्टडी कर लीजिएगा, इसके लिए मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा कि SC ST OBC के लिए ST OBC के लिए इनके लिए खुद की एक अपना खुद का रिजर्वेशन है। इसके अलावा कुछ जनरल कंडीशंस भी हैं तो उसमें मैंने बता ही दिया कि मिनिमम 55% मार्क्स इसमें ऑब्टेन करना बहुत जरूरी है, या तो आपका मार्क्स का हो या फिर ग्रेडिंग स्केल पे हो, तो उसको आप स्टडी कर लीजिएगा। कुछ कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ कम मार्क्स भी हैं तो उसके लिए आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। फिर कुछ फॉर्मेट दे रखे हैं तो वो फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट जो बैकवर्ड क्लासेस और SC ST OBC के जो जिस तरह के सर्टिफिकेट होने चाहिए उनका बताया कि किस तरह का फॉर्मेट लेके उनको आना है, तो फॉर्मेट भी यहाँ पे गिवन है और ये इसमें कोई और बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के पास। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है तो आप इसको भर लीजिएगा। अटैचमेंट नंबर है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा इसको, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज है जरा मैं उसको आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट का जो सवाल आता है कि भाई हमें अपने वर्क में कहाँ का प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो पब्लिश वर्क है, तो भाई पब्लिश वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि PhD के अंदर या मास्टर डिग्री के अंदर आपने कहीं पर भी अगर रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, बुक पब्लिश की है या फिर आर्टिकल पब्लिश किए हैं तो उनका डिटेल आपको देना है। अब यहाँ पर 16 पॉइंट में आ जाइएगा, नंबर ऑफ पब्लिश बुक, ठीक है, देन नंबर ऑफ पब्लिश रिसर्च पेपर, नंबर ऑफ पब्लिश्ड पॉलिसी पेपर, तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों। तो आपने PhD कर ली है, आपका कोई रिसर्च पेपर नहीं है, तो ये स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है मेरे से कि सर हम लोग जो बुक पब्लिश करते हैं या रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं या किसी भी तरह का कॉन्फ्रेंस पेपर पब्लिश करते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है ना उसके अंदर इनके मार्क्स होते हैं, तो आपको ये मैंने एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा हूं उसका, तो एप्लीकेशन फॉर्म में ये मार्क्स, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म में ये पूरा का पूरा इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दे रखा है, तो मैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी लेके जाऊंगा। तो जो स्टूडेंट कहीं पर वर्किंग है राइट नाउ तो उनके लिए है, और इसमें जो दे रखा है तो ये जो है आपको, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि राइट इन 10 इंपॉर्टेंट लाइन अबाउट योर इंटेंशन ऑफ ज्वाइनिंग द विद्यापीठ, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन द विद्यापीठ, विद्यापीठ को क्यों ज्वाइन करना है, इसी के ऊपर जो है आपका जो है इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। तो इन जो जो चीजें हैं इनको बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि काफी सारे जो क्वेश्चन है, अहमदाबाद क्यों फेमस है, मैंशन योर थॉट अबाउट वेयरिंग द खादी गारमेंट्स क्लोज, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जरा थोड़ा भाई ध्यान से रखिएगा। अब देखिए इसमें यह भी लिखा है शो योर आइडियाज बिलीफ अबाउट द प्रेयर एंड क्लीननेस, तो ये भी है, तो इसको भी जरा देखिएगा। अब इसमें जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको पास ले आता हूं उसको, कि वो बहुत है इंपॉर्टेंट है। अब जरा नीचे आकर हम लोग आते हैं समरी ऑफ द कैंडिडेट इन 8 copies, तो उसके लिए भाई हर कॉपी हर जो आपको पेपर डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करने हैं उसकी 8 copies लगानी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे सेट या नेट आपने किस ईयर में पास किया था, उसका सब्जेक्ट क्या है ये आपको मेंशन करना है। इसके अलावा नेम ऑफ द पोस्ट किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पब्लिकेशन उनका आपको डिटेल देना है, देन पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil एंड PhD आपने कब कंप्लीट की थी, कब आपकी रन है, इस तरह का देना का। अब इसके मार्क्स का है तो देखिए ग्रेजुएशन 80% एंड अबव 15 मार्क्स मिलेंगे उसको, 16%। अब देखिए क्यों जरूरी है
अच्छे मार्क्स लेके आना, कि काफी सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि सर हमारे अच्छे मार्क्स हैं, अब भाई हम इतने मार्क्स क्यों लेकर आए, क्यों जरूरी है? तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो ग्रेजुएशन में जिन स्टूडेंट्स के 80% या उससे ज्यादा मार्क्स हैं तो उनको 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब जिन स्टूडेंट्स के ग्रेजुएशन में 60% या उससे 60 और 80% के बीच में आए हैं तो उनको 13 मार्क्स हैं, 55% और 60% के बीच में आते हैं उनको 10 मार्क्स हैं, और 45% या 55% में आएंगे उनका केवल 5 मार्क्स है। तो आप देख लीजिए, तो जो स्टूडेंट्स के जिन स्टूडेंट्स के वाकई में ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा मार्क्स होते हैं वो क्यों जरूरी होता है। अब इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में जिन स्टूडेंट्स के 80% या अबव मार्क्स आए तो उनको 25 मार्क्स मिलेंगे, 60% और 80% के बीच में आए हुए मार्क्स वालों को 23 मिलेंगे। अब इसमें जो है उसमें भी एससी एसटी ओबीसी के कुछ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसी तरह से एमफिल करने वालों को, तो देखिए अब ये पॉलिसी आई है कि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा के अंदर एमफिल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, तो जब तक भाई वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है अगले 2-3 साल में तब तक तो एमफिल और उतना ही जरूरी होता है एक स्टूडेंट के करियर का। तो एमफिल के मार्क्स जो है 7 मार्क्स हैं, देन पीएचडी के 30 मार्क्स हैं, देखिए कितना वेटेज है पीएचडी का, नेट विद जेआरएफ का 7 मार्क्स है। ये 7 मार्क्स जो है आखिर में बहुत रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आप लोगों के लिए, और अगर आपने केवल नेट क्वालिफाई किया तो 5 मार्क्स हैं, स्लैट सेट किया तो 3 मार्क्स हैं, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 2 मार्क्स हैं, मतलब दिया हुआ है मतलब 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, मैक्सिमम 10 मार्क्स तक आप इसमें एक्वायर कर सकते हैं। इसी तरह से आपका टीचिंग या फिर पोस्ट डॉक्टरल यानी आफ्टर द पीएचडी के बाद आपका जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो 10 मार्क्स दे रखा है, आपने अगर कोई अवार्ड ले रखा है तो उसके 3 मार्क्स हैं, और आखिरी में इसमें 2 मार्क्स हैं स्टेट लेवल के अवार्ड के। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट देखा जाए तो उसमें 100 मार्क्स का पूरा बनेगा, और इसमें लिखा हुआ है एमफिल प्लस पीएचडी 30 मार्क्स मैक्सिम मिल सकते हैं, जीआरएफ नेट सेट का मैक्सिमम 7 मार्क्स मिल सकते हैं, और आपको अगर अवार्ड है तो 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आखिरी में 80 एकेडमिक स्कोर का, रिसर्च पेपर का 10 और टीचिंग एक्सपीरियंस का 10, ये आपको मिलकर आपका जो है 100 का टोटल का आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से विद्यापीठ का जो एप्लीकेशन फॉर्म निकला है वो क्यों, इसमें क्या क्या जरूरी है, क्या क्या इसकी अचीवमेंट्स है। चलिए अब हम अपनी स्क्रीन, तो स्टूडेंट्स अब हमने ये पूरा नोटिफिकेशन जो है गुजरात विद्यापीठ का देख लिया, तो अब इन सवालों के जवाब जो है आपको ऑलमोस्ट मिल गए होंगे। कि पहला सवाल जो था मेरा, यू शुड नॉट कंसिडर पार्ट टाइम पीएचडी, क्या वाकई में हमको पार्ट टाइम पीएचडी को कंसिडर करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आपको पार्ट टाइम पीएचडी को कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम जगह पर जो पार्ट टाइम पीएचडी होती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड नहीं होती। दूसरा सवाल था कि हाउ मेनी रिसर्च पेपर आर नीडेड इन पीएचडी, पीएचडी के लिए हमें कितने रिसर्च पेपर पब्लिश करना जरूरी है? तो जैसा कि मैंने आपको हमने नोटिफिकेशन में देखा कि एटलीस्ट हमें 2 जो है रिसर्च पेपर पब्लिश करना जरूरी है। इसके अंदर आपको क्या होता है, एक रिसर्च पेपर जो है वो आपका जो रिसर्च जर्नल में पब्लिश होना चाहिए, एक पेपर जो है कॉन्फ्रेंस पेपर से भी हमारा वर्क हो सकता है, पर कोशिश करिए कि आप 2 या 2 से अधिक जो है रिसर्च पेपर को पब्लिश कीजिए, क्योंकि उसमें जो आपका देखा था कि जो मार्क्स थे उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो आपके रिसर्च पेपर के लिए वो आपको 10 तक मिल सकते हैं। कैन आई बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट यूजीसी नेट, हाँ बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट जो है वो, उसके लिए आप देखें तो यूजीसी नेट से ज्यादा आपका जो वेटेज जो है वो पीएचडी को दिया गया है, और यूजीसी नेट के भी अपने मार्क्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि यूजीसी नेट विद जेआरएफ जो 7 मार्क्स हैं और यूजीसी नेट लेक्चरशिप का केवल 5 मार्क्स है, तो अभी भी इसका जो वेटेज है वो दिया गया है, बट मेन इंपॉर्टेंस जो है वो पीएचडी को दिया गया है। इज यूजीसी नेट एग्जाम कंपलसरी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम जो है इसके अकॉर्डिंग तो कंपलसरी है, जो हमने अभी जॉब वैकेंसी का गुजरात विद्यापीठ का दिखा था। तो आप यूजीसी नेट के एग्जाम के बिना जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग तो नहीं, मतलब आपको लेना बहुत जरूरी है। तो आप ये देखिए कि असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना है तो यूजीसी नेट एग्जाम और आपका जो पीएचडी है वो दोनों का दोनों होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आखिरी में ये कंक्लूजन निकल कर आता है। यूजीसी नेट एंड पीएचडी कंपलसरी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, यस UGC NET and PhD compulsory for the assistant professor. What is the minimum qualification for the assistant professor? देखिए assistant professor की मिली है minimum qualification जो है, he should have master degree, he should have PhD और he should have UGC NET, GRF और lectureship certificate. तो
तो ये सारे के सारे जो सवाल के जवाब जो है हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिए। और मैंने जैसा कि बताया था कि गुजरात विद्यापीठ का जो वैकेंसी है इसमें आपको मैंने इन सभी सवालों का आपको जवाब दिया है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।